के टेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन है लाइक दैट. अगर हायर की फ्रिज ख़राब है तो कोर्ट जो है उसको ओरिएंट के पास भेज सकता है, डॉलेंस के पास भेज सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, या किसी भी लेबॉर्ट्री को PCSIR है. इसी तरह जो है पब्लिक एनालिस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अगर आपकी कोई फूड आइटम्स हैं, दूध मिल्क जैसे आजकल है, उसमें बहुत सारे, मतलब अगर मैं बात करता जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा. नूरपुर मिल्क जो आप मार्केट में देखते हैं, वो फैक्ट्री मैंने सील करवाई और उसके बाद वो तकरीबन 45 दिन सील रही, और फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टे पे उन्होंने वो ऑर्डर सेट असाइड करवाए और फिर जाके वो ओपन हुई, जबकि वो ऑर्डर जो है वो बेसिकली मुल्तान कंज्यूमर कोर्ट के थे. इसी तरह जो है यामा मोटरसाइकिल कई जो है मुल्तान कोर्ट से मैंने रिप्लेस करवाए हैं विद न्यू वन. सुजुकी मेहरान कार जो है एक बंदे को एक साल चलने के बाद जो है वो रिप्लेस हुई विद न्यू वन. और फ्रिजें, LCD इस तरह की, और क्यू मोबाइल हैं, सैमसंग मोबाइल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने विद न्यू वन जो है रिप्लेस करवाए हैं. ये सारा जो है ये प्रोसीजर सेक्शन 30 में फॉल करता है, 31 में कि एक्सपर्ट ओपिनियन आप लेंगे. अब हमारे दोस्त जो है दोनों साइड से अगर हम देखते हैं, एक कंज्यूमर साइड है, एक डिफेंडेंट साइड को भी हमारे ही दोस्त प्लीड करते हैं. हमसे गलती ये होती है कि जैसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन आती है हम आर्ग्यूमेंट्स पे चले जाते हैं. हमारे पास वो जो रूल है, इसका रूल 15 है एक्सपर्ट ओपिनियन का, उसमें प्रोवाइडेड है कि जैसे ही एक्सपर्ट ओपिनियन आई है विद इन 15 डेज दोनों लोग जो हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं. उसे क्लेमेंट साइड भी चैलेंज कर सकती है कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन ठीक नहीं है, उसे डिफेंडेंट साइड भी चैलेंज कर सकती है. और अगर आप 15 दिन के अंदर उसे चैलेंज नहीं करेंगे तो उसे फिनैलिटी हासिल हो जाएगी और उस पर फिर ऑर्डर हो जाएंगे. इसी तरह अगर हमारा क्लेम जो है वो रिलेटेड टू सर्विसेज होगा तो वो सेक्शन 32B जो है उसके तहत होगा. उसमें भी एक्सपर्ट एविडेंस, उसमें जो है एविडेंस है, एविडेंस कॉल करेंगे और वो फैमिली की तरह या जैसे स्टैम्प पेपर पे हम लोग अपना जाके एविडेंस देंगे और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, समरी ट्रायल है, और इन शॉर्ट जो है उसके ऑर्डर हो जाएंगे. उसमें लोधी साहब की जजमेंट है, 2016 PLD है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि इसमें जो है कंज्यूमर एक्ट, इसमें अभी बहुत सारे फ्लॉज, खलाब बकाए हैं जिस पे काम होने वाला है. यहाँ पे एविडेंस का कोई प्रोसीजर नहीं लिखा गया कि कैसे होगा. तो हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी कंज्यूमर कोर्ट मौजूद हैं वो जज साहब की सवाबदेदी इख्तियारात हैं कि वो कैसे करें. लाहौर पे मेरा मुझे नहीं याद, उस पर हेड नोट्स में अब लोधी साहब की जजमेंट है, एहसन रज़ा वर्सेस नदीम बेग मेरे ख्याल में इसका टाइटल है. तो लोधी साहब ने इस पर जो है बदरमान लोधी साहब की जजमेंट है. तो उसके बाद अभी तक वैसे हुकूमत पंजाब ने इस पर कोई काम नहीं किया, जजमेंट आने के बाद भी इस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ. इवन अगर हम इसकी डेफिनेशन के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे अभी जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि PTCL को आउट कर दिया, उसको जो हमारी कम्युनिकेशन है जैसे वारद है, जायज़ है, इसको आउट कर दिया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर सुई गैस आउट हुई, फिर उसके बाद मैपको आउट हुई, और जी लैंड डेवलपर चलें वो तो उनके लिए एक सिविल इश्यूज ही ऐसे हैं. मतलब मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ, जहाँ पे हम लोग सुई गैस है तो दो तरह से हम कंज्यूमर हैं. उसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन के सेक्शन में लिखा हुआ है कि एज़ प्रोवाइडेड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा क्लियरली इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस मेंशन है, जबकि जजमेंट्स जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं उनकी आई हैं कि जी इनके बारे में जो है कंज्यूमर कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं है. लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो जजमेंट एक है हाई कोर्ट की, उसमें दोबारा से नीलाब CNG के नाम से, ये 2016 CLD में है, नीलाब CNG वर्सेस इस तरह था, तो वहाँ अलाउ किया गया था कंज्यूमर कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिडिक्शन है. इसी तरह मैपको की भी लेटेस्ट जजमेंट आई है 2018 में, वो भी PLD में है कि CLD में भी है और PLD में भी है कि आप मैपको के अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं. बट ये सारी जो हैं सिंध से हैं, सरहद से, KPK से, इस्लामाबाद से हैं. और अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है जहाँ पे रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं इजीली वो भी नहीं हो रही. अभी लेटेस्ट जो है वो डॉक्टर्स को भी आउट कर दिए. अब उससे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर और कौन है? इवन आप उसकी डेफिनेशन का सेक्शन है, यहाँ बुक मौजूद है, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि सर्विस प्रोवाइडर्स आई हेल्थ डॉक्टर्स इंजीनियर्स, मतलब उनका नाम मेंशन किया गया है लॉ में. लेकिन ऑन द अदर हैंड
ये कहा जाता है क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन जो है एक्ट वो आ गया है 2010 में, इसलिए आप इसको कंज्यूमर एक्ट में या फाल नहीं करता और आप अपनी जो ग्रीवियंस है वो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के पास ले जाए। वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, वो तो एक कमीशन है। अब उस पर डॉक्टर शमशाद की जजमेंट है, एक जो है वो एक्सेल लैब की जजमेंट है कि दे आर द सर्विस प्रोवाइडर एंड वी आर कंज्यूमर। बेसिकली है क्या कि वी हायर द सर्विसेज विद कंसीडरेशन, ये डेफिनेशन सेक्शन 2C या बी में है जहाँ पे डेफिनेशन है कंज्यूमर की, हु हायर द सर्विसेज विद कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या है, सॉरी सेक्शन 2K है, कंसीडरेशन अमाउंट है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे जब उसकी सर्विसेज हायर करते हैं उसको फीस पे करते हैं, दैट इज़ कंसीडरेशन। इस पे इंडिया लॉ बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है। वो डॉक्टर इससे आउट हुआ है जो फ्री डिस्पेंसरी चला रहे हैं जहाँ पे कंसीडरेशन का नाम नहीं है, वो डॉक्टर तो आउट होता है। लेकिन जब एक बंदा फीस लेके आपको सर्विसेज दे रहा है तो वो इससे कहीं आउट नहीं होता। इवन आप किसी भी सर्विसेज में चले जाते हैं, मोबिलिंक है, वारिद है, पीटीसीएल है। अब सुई गैस को आप देख लें कि एक तरफ उसके आप यूनिट्स परचेज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा ना, वो आप लोग जो है उनकी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो सर्विसेज में भी जाता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, आपसे बिल लेते हैं और आपकी सर्विसेज जो हैं वो देना उनका काम है। तो इस पे अभी बहुत सारा लॉ जो है वो डेवलप होना है। तो इसके अलावा जैसे मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, अभी भाई कह रहे थे कि सात पेजेस भी बताएं, लिमिटेशन पे 2014 CLR पे 73 है और मेडिकल पे है डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो है कंज्यूमर कोर्ट इफेक्टिव है वो है 2010 लॉ नोट 708। और जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें ये हुआ था कि मुल्तान कंज्यूमर कोर्ट में ही जाय साहब ने ऑर्डर किया था कि इसको मोटरसाइकिल जो उसका इंजन ठीक काम नहीं कर रहा था विद इन वारंटी था, तो जाय साहब ने कहा कि इसका रिप्लेस करें विद द न्यू वन, तो वो FAO में चले गए। इसके अगेंस्ट प्रोवाइडेड है सेक्शन 33 में फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर इन ऑनरेबल हाई कोर्ट विद इन 30 डेज। तो वो FAO में गए तो वो इन लिमिनी खारिज हुई 2014 CLR 44 है। और इसी के साथ जो है क्योंकि सेक्शन 20 सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 और उसकी प्रोविजो में है कि 30 डेज प्रोवाइडेड है लिमिटेशन बट द कोर्ट कैन एक्सटेंड नेक्स्ट 30 डेज, वो फर्स्ट प्रोविजो है। और सेकंड प्रोविजो है जहां वारंटी और गारंटी प्रोवाइडेड है देन 1 ईयर जो है उसका लिमिटेशन है। तो उस पे है 2014 CLR पेज 533 कि आपका डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देंगे और आपका टाइम जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। 2014 CLR पेज 533 ये है इशफाक, डॉक्टर इशफाक गुर्जर वर्सेस जज कंज्यूमर कोर्ट। तो अभी जो हम इसको मेन डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि सेक्शन 30 तक हम पहुंचे थे उसका प्रोसीजर, और उसके बाद सेक्शन 31 है कोर्ट हमें दे क्या क्या। जी इसी पे तो अबादुर्रहमान लोधी साहब की जजमेंट थी कि इसमें लॉ आप फ्रेम करें और उसमें बताएं कि इशू कैसे फ्रेम करने हैं और कौन से किसी सेक्शन में अमेंडमेंट करें, जो कि आज तक नहीं हुई। वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि वो फिर जाय साहब क्या करते हैं, एफिडेविट लेते हैं, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, प्रूफ लेते हैं और उसके बाद उसको डिसाइड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सेक्शन 31 जो है वो है हमारा कि कोर्ट आपको दे क्या क्या सकती है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। उसमें ये है कि रिप्लेस द सॉरी सबसे पहला जो है वो ये है कि डिफेक्ट दूर करेंगे, ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि जो भी आपका ग्रीवियंस था, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको दूर किया जाए। सेकंड ये था कि रिप्लेस विद न्यू वन है। थर्ड ये था कि कंपनसेट करेंगे और एक्चुअल डैमेजेस जो हैं वो आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। और इसके अलावा जैसे अभी मेरे दोस्त बता के गए यहाँ पे कंज्यूमर काउंसिल से कि उसके एक्चुअल कास्ट जो है सेक्शन 31J में है, एक्चुअल कास्ट लिटिगेशन कास्ट अलॉन्ग विद काउंसिल फी वो भी कोर्ट जो है वो अवॉर्ड करेगी। और इसके अलावा फ़ाइन और पेनल्टी भी है। वो ये है कि अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है और उसकी कंप्लायंस, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि जी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे भी वहाँ भी यही क्यूरी की कि जब एक ऑर्डर पास हो गया फाइनल